अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी मसरूफियत की वजह से बार बार पार्लर के लिए वक्त नहीं निकाल सकते और अपनी स्किन की केयर भी करना चाहते हैं। तो चलिए आज जो मास्क की हम तरकीब बता रहे हैं उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सारी चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। सबसे पहले एक खाने का चम्मच चावल का आटा और एक खाने का चम्मच दही ले लें। फिर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक ग्लास या प्लास्टिक के बोल में डालकर इतना मिक्स करें कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और उसमें गुठलियां बाकी ना रहे, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। अगर आपके पास घर में दही मौजूद नहीं है तो आप दूध डालकर भी एक स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो एक ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर लगा लें। आप इस मास्क को उंगलियों की मदद से भी चेहरे पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर रहने दें या उस वक्त तक रहने दें जब तक आपकी स्किन में खिंचाव महसूस नहीं होता। जब मास्क अच्छी तरह सूख जाए तो गीले हाथों से हल्के हल्के मसाज कर लें और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। वो लोग जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और स्किन बहुत ढल गई है, वो इस मास्क को रोज़ाना लगाएं। 3 से 4 हफ्ते तक लगातार लगाएं, फिर आप खुद अपने चेहरे पर नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे। तो चलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस ब्यूटी टिप की तरह आप दूसरी ब्यूटी टिप से भी फ़ायदा उठा सकें। हमारा मशवरा आप सब के लिए ये है कि स्किन का बैरूनी ख्याल रखने के साथ साथ अपने खुराक पे भी ध्यान दें, अच्छा खाएं, खुश रहें, ताकि आपकी स्किन हमेशा जवान रहे। अब बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त टिप के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।